Hello everyone, this is Pitkamal and today we will be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द साइबर सिक्योरिटी. हमने साइबर स्पेस के बारे में डिस्कस किया, साइबर लॉज के बारे में डिस्कस किया. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन फर्दर पेनल्टी, कंपनसेशन एंड ऑफेंसेस, कि किस तरीके से पेनल्टीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे उसको कंपनसेट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ साइबर सिक्योरिटी में एज एन ऑफेंस कंसिडर की जाती है. राइट, सो सेक्शन 43 के अंडर अगर एक पर्सन ओनर की परमिशन के बिना या कोई और पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और द नेटवर्क, देन ही शैल बी लायबल टू पे अनलिमिटेड डैमेजेस टू द अफेक्टेड पर्सन. अगर एक पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर या जो उस कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का इंचार्ज है, उसकी परमिशन के बिना उसके सिस्टम के साथ छेड़खानी करता है, तो वो जो भी उस पर्सन को डैमेजेस होंगे उस डैमेजेस के लिए उसको पे करना पड़ेगा. राइट, देन नेक्स्ट इज द अंडर सेक्शन 66. अंडर सेक्शन 66 अगर एक पर्सन जो है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट रेफर्ड इन द सेक्शन 43, डिसऑनेस्टली उस चीज़ को करता है, चाहे उसको ओनरशिप भी दी गई हो, लेकिन फिर भी अगर वो बिना बताए, ओनर को बिना बताए कोई काम करता है या कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो उसे 3 ईयर्स तक की जेल हो सकती है या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. सो अंडर सेक्शन 66 अगर कोई साइबर सिक्योरिटी को खराब करता है या उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, तो ये पनिशमेंट उसको मिल सकती है. अगर वो डिसऑनेस्टली ये चीज़ करता है तो उसकी इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली ऑफ कॉजिंग द रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. राइट, तो डिसऑनेस्टी यही चीज़ होती है कि एक से लेके दूसरे को दे देना या अपने अपने पास रख लेना, या फ्रॉडेंटली द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. तो उसको फ्रॉड करने के लिए अगर वो लेता है तो ये उनकी पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 66. अगर अनऑथराइज्ड असेस लेते हैं सेक्शन 43A के अंडर, अनऑथराइज्ड असेस लेते हैं अगर एक पर्सन पर ओनर की परमिशन के बिना और एनी अदर पर्सन उसकी परमिशन के बिना असेस करता है और सिक्योरिटी को असेस करता है टू सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट परमिशन अगर उसे असेस करने की कोशिश करता है, तो वो अंडर सेक्शन 43 के अंडर अनऑथराइज असेस में वो चीज़ आ जाती है. देन सेक्शन 2A के अंडर असेस का मतलब है गेनिंग एंट्री इनटू, उसके अंदर एंट्री लेनी, इंस्ट्रक्टिंग विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज. राइट, उनके साथ कोई ना कोई कोई चेंजेस क्रिएट करने, किसी लॉजिकल या अरिथमेटिक या मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज को ख़राब करना, कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क. तो वाइडली डिफाइंड टू कवर एवरीथिंग. राइट, तो उस चीज़ के लिए मतलब असेस का मतलब है कि एंट्री लेनी, गेनिंग एंट्री इनटू दैट कंप्यूटर सिस्टम, या उन जो लॉजिकल और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस उनके अंदर है उनको इंस्ट्रक्ट करना, या उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना जो कंप्यूटर नेटवर्क्स वर्क कर रहे हैं उनके साथ. तो इट इज़ बेसिकली लाइक, इसको ऐसे हम रीड करेंगे, असेस मीन्स गेनिंग एंट्री इनटू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर सिस्टम और अ कंप्यूटर नेटवर्क, या इंस्ट्रक्टिंग विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और अ कंप्यूटर नेटवर्क. तो इसको इस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं. राइट, तो असेस का मतलब है गेनिंग एंट्री इन टू दैट सिस्टम, फिजिकल असेस भी हो सकता है वो, या अनऑथराइज असेस टू अ रूम, स्टोरिंग सर्वर कंप्यूटर या कंप्यूटर का कैबिनेट, उसको ओपन करना, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चिप लगाने की कोशिश करना ताकि उसका डेटा जो है उसको रिट्रीव किया जा सके इस तरीके से, या इंस्ट्रक्ट करना, कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अरिथमेटिकल, मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क. इंस्ट्रक्टिंग मीन्स ऑर्डर्स देना, वन वे प्रोसेस, जब हम डायरेक्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं. तो अगर उस पर्सन जो ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहा है उसको हटा के कोई फ्रॉड एंटर करके उनको इंस्ट्रक्शंस दे, या कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उस चीज़ को परफॉर्म करे. एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, रिमोटली शटिंग डाउन द कंप्यूटर बाय सेंडिंग एसएमएस, कोई एसएमएस सेंड करके उसको बोलो इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और समथिंग लाइक दिस विल एंटर योर हाउस पे. आप अगर एसएमएस पे आप क्लिक करते हो तो उसको क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर जो है वो फटाफट से शट डाउन हो जाता है, मतलब वहाँ से उसको वायरस उस एसएमएस में डाल के उसको भेजा गया है. या पोर्ट स्कैनिंग,
पोर्ट स्कैनिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया जाता है टू प्रॉब अ सर्वर और अ होस्ट फॉर ओपन पोर्ट्स. सो दिस इज ऑफन यूज बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स टू वेरीफाई सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ देयर नेटवर्क्स एंड बाय अटैकर्स टू आइडेंटिफाई रनिंग सर्विसेज ऑन अ होस्ट विद द व्यू टू कॉम्प्रोमाइज इट. तो पोर्ट स्कैनर क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे सर्वर या होस्ट के लिए ओपन पोर्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. तो इसको जनरली यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं टू वेरीफाई द सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ देयर नेटवर्क्स. तो उनके नेटवर्क्स की सिक्योरिटी पॉलिसीज को वेरीफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं, या अटैकर्स भी इसको यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द रनिंग सर्विसेज ऑन अ होस्ट. जिसको वो चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं, उसको चेक करने के लिए और उनको देखने के लिए ताकि उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया जा सके. देन एक पेनल्टी हो सकती है सेक्शन 43A के अंडर. इट कवर्स असेस और सिक्योर. असेस मीन्स टू मेक सर्टेन, राइट, कि पर्टिकुलर तरीके से उस चीज को असेस करना. To make certain that the assess can be achieved as and when desired by the person seeking to assess. For example, network administrator of ABC Limited stores password of main servers in his personal laptop. So why a friend of X with X permission, X ka laptop jo hai usko assess karta hai. For example, and note down the passwords of the main server. Uske passwords ko main servers ko jo hai wo सेव कर लेता है या नो डाउन कर लेता है. तो वाई जो है उसने जो सिक्योरिटी रखी थी एबीसी लिमिटेड के लिए वो चीज़ वहाँ पे नहीं रहेगी. सो दिस इज सिक्योर मीन्स टू मेक सर्टेन. तो किसी पर्सन की डिज़ायर के साथ आपको उसका सिस्टम चलाने के लिए मिल गया, लेकिन उसके बिना पता किए आपने उसके पासवर्ड्स को नोट डाउन कर लिया. सो दिस इज ऑल्सो अंडर द पेनल्टी सेक्शन 43A, राइट. और अगर एक बिना परमिशन के कोई आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स को छेड़ता है एंड इट प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंट टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट द असेस ऑफ अ कंप्यूटर, तो ये भी एक जो है एक पेनल्टी केस ही बढ़ता है इस चीज़ के ऊपर भी. उस जो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, अगर कोई पर्सन आपकी परमिशन के बिना आपके सिस्टम को यूटिलाइज कर रहा है और फिर वो किसी दूसरे को इस चीज़ की फैसिलिटी आगे दे देता है कि आप भी इसके सिस्टम को यूज़ कर लो, तो दिस इज द कॉन्ट्रोवर्शन इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. रूल्स अंडर द दे आर मेड रूल्स एंड रेगुलेशन इस चीज़ के अगेंस्ट भी बने हुए हैं. मीन्स असिस्टेंस इज मीन्स एक्ट ऑफ हेल्पिंग और एडिंग. फैसिलिटेट मीन्स उसको ईजी बनाना और लेस डिफिकल्ट बनाना टू असिस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ दैट सिस्टम, राइट. तो मतलब एक पर्सन को हायर किया गया कि मैं इसका पासवर्ड क्रैक कर दे करके मेरे को दे दे और मैं फिर इसको बाकी का सारा काम मैं कर लूँगा. उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है जो पर्सन बीच वाला, वो भी पेनल्टी उसको भी मिलेगी पेनल्टी, राइट. या वो असिस्टेंस कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है कोई फ्रॉडस्टर काम करने के लिए. सो हैंडलिंग ओवर द पासवर्ड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स, राइट, डिलिबरेटली इग्नोरिंग द वार्निंग्स ऑफ IDS और पुटिंग फायरवॉल ऑन डिसेबल मोड. तो अगर इस तरह की चीज़ें कोई कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो एक फ्रॉड है, या वो खुद की या किसी और की हेल्प कर रहा है इस चीज़ के लिए, किसी और को फैसिलिटेट कर रहा है या किसी की असिस्टेंस कर रहा है. तो दैट इज़ ऑल्सो अंडर सेक्शन 43A, उसको भी पेनल्टी पड़ेगी. देन असेसिंग द प्रोटेक्टेड सिस्टम्स. तो मतलब ये साइबर लॉज के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि साइबर लॉज के अंदर हमें पेनल्टीज भी जो हैं वो देनी पड़ती हैं. देन आफ्टर हमें जेल भी हो सकती है, देन फाइन भी पड़ सकता है. तो एनीथिंग कुड बी देयर. तो असेसिंग प्रोटेक्टेड सिस्टम्स, प्रोटेक्टेड सिस्टम्स को असेस करना अंडर सेक्शन 43A, अंडर सेक्शन 70. तो सिक्योर्ड असेस और अटेम्प्ट्स टू सिक्योर असेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम. एक प्रोटेक्टेड सिस्टम को असेस करने की कोशिश करना, उसकी सिक्योरिटी को असेस करने की कोशिश करना या उसके लिए अटेम्प्ट्स करना, तो उसके लिए भी 10 years की जेल या फाइन हो सकता है. और प्रोटेक्टेड सिस्टम डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, अगर इंडियन आर्मी, मुंबई पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कोई भी तरह की पुलिस के, उसको अगर अटेम्प्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्टेड सिस्टम को असेस करने की अटेम्प्ट की जाती है, चाहे वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, अनसक्सेसफुल डॉस अटैक हो, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ज्वाइन अ ट्रोजन हो, कोई भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी हो, वो भी असेसिंग प्रोटेक्टेड सिस्टम के अंडर सेक्शन 70, उसको भी पेनल्टी जो है वो पड़ सकती है और उसको जेल भी हो सकती है 10 years तक की,
राइट, देन सेक्शन 43 के अंदर फिर से अगर वो कोई काम करता है तो डाउनलोड्स, कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स एनी डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर बेस, कोई इन्फॉर्मेशन लेता है कोई रिमूवेबल स्टोरेज से, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो असेस करने की कोशिश करता है, सो दिस इज ऑल्सो अंडर द पेनल्टी. देन टू डाउनलोड इज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन, कॉपी करना मतलब उसकी एक एग्जैक्ट रेप्लिका जो है वो ऑब्टेन करना या एक्सट्रैक्ट करना, उसे डिड्यूस करना, ड्राइव करना या कोट करना फ्रॉम एनी अदर सोर्स, राइट, या इंट्रोड्यूस और कॉज टू बी इंट्रोड्यूस कंटामिनेट करने की कोशिश करना, कंप्यूटर के डेटा को ख़राब करने की कोशिश करना, डैमेज करने की कोशिश करना, राइट, डैमेज कर देना या करने की कोशिश करना, दोनों ही ऑफेंस हैं. डैमेज मीन्स टू डिस्ट्रॉय, टू ऑल्टर, डिलीट, मॉडिफाई, ऐड और रीअरेंज द कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट, तो कोई इमेजेस को उसकी इमेज फॉर्मेट को चेंज करना ताकि उसको ईजीली असेस किया जा सके, जिफ फॉर्मेट की है उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर देना, या कोई यूआरएल कोड है या कोई एक्सेल फाइल है उसको डिलीट कर देना या चेंज कर देना, डिसरप्शन जो है वो क्रिएट करना, डिसरप्शन करना किसी भी चीज़ के अंदर, मतलब टोटली या पार्शली उस चीज़ को ख़राब कर देना या उसमें डिसऑर्डर डाल देना या उसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देनी या उसमें कोई इंटरप्ट क्रिएट कर देना कि वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क ही ना कर पाए. सो दीज ऑल आर द अंडर पेनल्टी सेक्शन 43, स्प्रेडिंग वॉर्म्स इन अ ग्लोबल नेटवर्क, स्लोइंग डाउन ऑफ द नेटवर्क, वाईफाई मॉडेम को स्विच ऑफ कर देना, स्लो इंटरनेट कनेक्शन, हैवी डाउनलोड करना उस चीज़ के ऊपर, तो ये चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं. देन आफ्टर डॉस और डीडॉस अटैक्स होते हैं, आपके डॉस सिस्टम्स के थ्रू अपने कंप्यूटर को अटैक किया जा सकता है. देन टैम्परिंग करना, मैनिपुलेटिंग करना, इंटरनेट टाइम थेफ्ट हो सकता है, ये क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ हो सकता है अपने कंप्यूटर के थ्रू, राइट, कंसील्स, डिस्ट्रॉय और आल्टर्स और कॉजेज एनी पर्सन टू स्टील, conceal, destroy or alter any computer source code with the use of computer resource with an intention to cause damage के लिए, किसी चीज़ को destroy करने की कोशिश करना या चुराने की कोशिश करना किसी important information को, right, then tampering with the computer documents, उसके साथ tampering करने की, computer source documents के साथ tampering, मतलब छेड़छाड़ करने की कोशिश करना उनके साथ, उनको ख़राब करने की कोशिश करना या उनको चुराने की कोशिश करना या उनको copy करने की कोशिश करना. then compensation for failure to protect data. So, where a body corporate processing, dealing or handling sensitive personal data को जो handle कर रहा है या information को handle कर रहा है computer source के अंदर, इसको वो own कर रहा है, control कर रहा है, operate कर रहा है, is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedures and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by the way of कंपेंसेशन. तो अगर कोई पर्सन ऐसे पकड़ा जाता है अंडर सेक्शन 43A कि वो किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या सिक्योरिटी की जो सेंसिटिव या पर्सनल डेटा जो है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अंडर सेक्शन 43A उसको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी. देन आफ्टर उसको पनिशमेंट भी हो सकती है. तो अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन इंटरमीडिएटरी, अगर कोई पर्सन इंटरमीडिएटरी फाइंड आउट होता है, मिलता है वाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज अंडर द टर्म्स ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, हैज सिक्योर्ड एक्सेस टू एनी मटीरियल कंटेनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain, किसी को हो सकता है, discloses without the consent of the person concerned, right, तो under the law उसको भी up to 3 years तक की jail या 5 lakh rupees तक का जो fine है वो लग सकता है. then एक पर्सन जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को सेंड करता है उसके अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है. अगर मतलब कि किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर विदाउट द कंसर्न्ड पर्सन, उसके कंसर्न के बिना, विदाउट कंसर्निंग द ओनर और द पर्सन जिसके पास कंचार्ज है, कंप्यूटर डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करना या आप वहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से आपके पीसी को आपको बिना पता लगाए उसको फ्रॉड करने की कोशिश करना, उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करना, उसमें कोई वायरस भेजने की ट्राई करना या भेज देना या कोई डेंजर में उसको डालना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन करना, कोई क्रिमिनल इंडिमिनेशन करना या कोई जो मनी ट्रांसफर है, मनी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेना या ईमेल्स के थ्रू किसी इनकन्वीनियंट मैसेज के थ्रू एड्रेस या रेसिपिएंट को इस तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर डालना, तो ये सब ऑफेंसेस के लिए जो है
पनिशमेंट्स हैं, पोर्नोग्राफी के लिए पनिशमेंट्स हैं फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग द ऑब्सेंस मटेरियल, और अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है उसके लिए अगर कोई कोई आप कोई चीज़ पब्लिश करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए, या चिल्ड्रन के लिए आप इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको पब्लिश करते हो या ट्रांसमिट करते हो मटेरियल, तो दैट इज़ ऑल्सो अंडर द एक्ट ऑफ वायोलेशन, उसके लिए भी पनिशमेंट है, राइट? इंटेंशनली नोइंगली कोई चीज़ को कैप्चर करना, किसी इमेज को जो प्राइवेट एरिया की इमेजेस हैं किसी पर्सन की विदाउट देयर कंसेंट अगर उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है या पब्लिक किया जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो अंडर द ऑफेंस. तो डिसऑनेस्टी के लिए भी और चीटिंग के लिए भी, देन साइबर टेररिज्म के लिए भी, कोई थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए ऑफेंसेस, हर एक चीज़ के लिए पनिशमेंट्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं. किसी भी कमिटेड सब सिस्टम का जो है कंट्रोवर्सीज, कॉन्ट्रावेंशंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी अगर वो करता है, तो उसके उसके ऊपर भी चार्जेस हो सकते हैं सेक्शन 75 के अंडर. और अगर वो कोई कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई भी किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जाती है, तो ये सब कुछ जो है वो अंडर द साइबर लॉज कंसिडर होता है, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, अबाउट द साइबर लॉज, अबाउट द पेनल्टीज़ किस किस तरह की हमें मिल सकती हैं, कैसे कैसे कितने कितने फ़ाइन लग सकते हैं आपके लिए, और अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है किसी के लिए क्रिएट करता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई विश इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, वी विल बी टेकिंग देम लेटर ऑन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.